ଦିଲ୍ଲୀର ଝାନ୍ସି ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଅନାଜ ମଣ୍ଡିରେ ରବିବାର ସକାଳୁ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 43 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପୁଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 25 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ରହିଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବିଭାଗର 30 ଗୋଟି ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚିଫ୍ ଅଫିସର ସୁନୀଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାହା ବ୍ୟାପି ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏମ୍ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 26-27 गाड़ियां मौके पे काम कर रही हैं और तकरीबन 25-26 एम्बुलेंस भी काम कर रही हैं और हम अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। 15 लोगों को हम हॉस्पिटल भेज चुके हैं, बाकी अंदर अभी कितने हैं वो रेस्क्यू का काम चल रहा है, थोड़ी देर में पता लगेगा। सर, किस चीज़ में आग लगी और किस चीज़ की प्रैक्टिस थी? ये आग जो है इसमें स्कूल के बैग हैं, पैकिंग मटेरियल है, इस टाइप की चीज़ें हैं। 600 गज का ये प्लॉट है जिसमें ये लोग काम कर रहे थे और सुबह 5:30-5:22 पे ये कॉल हमें मिली। सर, तीन गाड़ियां हमें, तीन फैक्ट्रीज नजर आ रही है, तीनों फैक्ट्रीज के इंटरकनेक्ट हैं? ये सब इंटरकनेक्टेड है, टोटल एरिया 600 गज है। बाकी अभी अंधेरा बहुत है अंदर, हमारे सारे आदमी अंदर हैं और जो जो हमको घायल लोग मिल रहे हैं हम उनको वहाँ से ले जाके LNJP ले जा रहे हैं। तो बताया जा रहा आग जो ऊपरी मंजिल में लगनी शुरू हुई थी, वहाँ क्या पहुँच पाई है? नहीं पहुँच गई आग तो, हमने बुझा लिया, अब आग नहीं है वहाँ पर, सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जैसे धुएं से किसी को बेहोशी हो गई है या किसी को चोट लग गई है, आग हमने बुझा लिया ना, अब कहीं आग आगे बढ़ेगी। देखने से बन इंजरी नजर आ रही, कुछ लोग बेहोश भी हैं, बाकी डिटेल जो है हॉस्पिटल से पता लगेगा। अभी तक हमने 15 लोग भेज दिए हैं और बाकी अभी ढूंढ रहे हैं, ये नहीं पता अंदर कितने लोग हैं, रेस्क्यू जा रही है, थोड़ी देर में एक्चुअल पता लगेगा। क्या बता रहे थे, कितनी लेबर थे यहाँ पर, क्या बता रहे, कितनी लेबर काम कर रही थी, जो हो रहे थे, क्या अंदाजा है? जो मालिक है इस फैक्ट्री का वो बता रहे हैं कि 20-25 लोग थे अंदर जो सो रहे थे, बाकी एक्चुअल तो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा क्योंकि हमारे सारे आदमी अंदर काम कर रहे हैं। इसको किस कैटेगरी में रखा गया था? इसको कैटेगरी हमने अभी इसको मीडियम की हुई है, इसमें आग ज्यादा नहीं है, मीडियम कैटेगरी हम आग के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे मेन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है, और की तो कोई खबर नहीं है अभी तक, नहीं है क्योंकि ये डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से होगी। गली संकरी है, कोई दिक्कत आ रही है आपको काम करने? हाँ, गलियां बहुत आपके सामने है, गलियां बहुत मतलब छोटी हैं जिनमें हमारी एम्बुलेंस भी बड़ी मुश्किल से जा पा रही है।